तो गाइस जैसा कि आप लोगों ने वीडियो का टाइटल और थंबनेल आप लोग देखे ले होंगे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि दोस्तों अगर आप लोग भी अपने पेटीएम एप्लीकेशन से अपना बैंक अकाउंट आप लोग लिंक कर रहे हैं ऐड कर रहे हैं लेकिन दोस्तों आपका बैंक ऐड नहीं हो रहा है, आपके सामने यहाँ पे इस प्रकार से प्रॉब्लम लिख के आ रहा है, यहाँ पे देखिए लिख रहा है यहाँ पे वी आर अनेबल टू लिंक योर बैंक अकाउंट रजिस्टर नाउ, इस प्रकार से राइट नाउ लिखा हुआ आ रहा है। अगर दोस्तों आपको भी ऐसे ही प्रॉब्लम आ रहा है तो आपको इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप एंड तक वॉच करना है, आप लोग बहुत आसानी से इस प्रॉब्लम को ठीक कर पाएंगे। देन गाइस आप लोगों पेटीएम एप्लीकेशन से अपने बैंक अकाउंट आप लोग ऐड कर पाएंगे। तो यहां पे चलिए मैं यहां से बैक आता हूं, देन गाइस आपको यहां पे लाइव प्रूफ के साथ इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके दिखाता हूं। अब दोस्तों वैक आने के बाद यहाँ से पूरा वैक आना है और दोस्तों आपको यहाँ पे अपने पेटीएम के होम पेज पे आ जाना है। होम पेज पे आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे एक से दो काम करना है और दोस्तों आपको प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा। आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एक डाउट क्लियर करना चाहता हूँ। ये प्रॉब्लम जो आ रहा है दोस्तों पेटीएम की न्यू जो नया यूजर है उन्हीं को यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है। दोस्तों जो यहाँ पे ओल्ड यूजर है जो पुराने पहले से यूज कर रहे हैं पेटीएम उनको ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रहा है लेकिन दोस्तों जो नया पेटीएम अकाउंट बना रहा है उसी को ऐसे ही प्रॉब्लम आ रहा है। तो यहाँ पे चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे ठीक करना है, पूरा व्याख्यान है। देन गाइस आपको यहां पे अपने मोबाइल फोन के प्ले स्टोर ऐप को ओपन करना है। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे नीचे सर्च वाले पे क्लिक करना है। सर्च वाले पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको लिखना है यहाँ पे पेटीएम, यहाँ पे मैं लिखता हूँ पेटीएम, आपको यहाँ पे पेटीएम लिखना है, यहाँ पे मैं लिखूंगा पी ए वाई, यहाँ पे पेटीएम मैं लिखूंगा। पेटीएम लिखने के बाद आप लोग यहाँ पे देखिए मैं सर्च पे क्लिक करूंगा, देन गाइस यहाँ पे मैं पेटीएम के ऊपर क्लिक करूंगा। अब दोस्तों यहाँ पे हमारा पेटीएम एप्लीकेशन आ जाएगा। अगर दोस्तों आपको पेटीएम एप्लीकेशन यहाँ पे अपडेट मांग रहा है तो सबसे पहले दोस्तों आपको अपने पेटीएम एप्लीकेशन को अपडेट करना है, लेकिन दोस्तों अगर अपडेट नहीं मांग रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपडेट मांग रहा है तो सबसे पहले आपको अपडेट कर देना है। इतना करने के बाद आपको ऐसे वैक आना है, वैक आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे फिर से अपने पेटीएम एप्लीकेशन पे आपको दो या तीन सेकंड तक टैप करना है। उसी के बाद दोस्तों आपके सामने यहाँ पे नीचे ऐप इन्फॉर्मेशन का देखा आपको इस पर क्लिक करना है। देन गाइस आपके सामने एक नया पे जाएगा और दोस्तों आपके सामने यहाँ पे एक ऑप्शन यहाँ पे देखेगा परमिशंस का और एक ऑप्शन यहाँ पे देखेगा क्लियर, यहाँ पे आपको यहाँ पे देखेगा यहाँ पे स्टोरेज कैच, यहाँ पे स्टोरेज एंड कैच का। तो सिंपली आपको यहाँ पे स्टोरेज एंड कैच का जो ऑप्शन दिख रहा है आपको उसी पे क्लिक करना है। यहाँ पे दोस्तों अलग अलग फोन में अलग अलग टाइप का दिखाता है, अगर रेडमी का या ओप्पो वीवो का फोन है तो यहाँ पे क्लियर स्टोरेज यहाँ पे आपका दिखाया गया, यहाँ पे मिनिमम क्लियर कैच दिखा रहा है, तो आपको सिंपली इसी पे क्लिक करना है। क्लिक करने का यहाँ पे आपके सामने दो यहाँ पे इस प्रकार से दो इंटरफेस आएंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन पे लिखा रहेगा यहाँ पे क्लियर कैच, इस पे आपको क्लिक करना है। देन गाइस यहाँ पे लिखा रहेगा क्लियर स्टोरेज, आपको इस पे क्लिक करना है। इतना करने के बाद यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आपका यहाँ पे जो है स्टोरेज यहाँ पे क्लियर यहाँ पे हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पे न्यू वर्जन हो जाएगा। अब सिंपली आपको वैक आना है, वैक आने के बाद दोस्तों आपको फिर से अपने पेटीएम ऐप को ओपन करना है। पेटीएम को ओपन करने के बाद यहाँ पे दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों आपका जो मोबाइल नंबर रहेगा सबसे पहले यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर पूछेगा, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। यहाँ पे चलिए मैं अपना मोबाइल नंबर डालता हूँ, आपको भी यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पे नीचे प्रोफाइल पे क्लिक करना, प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अलाउ करना है। अलाउ करने के बाद यहाँ पे जितना परमिशन पूछा है सबको आपको अलाउ करना है। देन गाइस आपके सामने पे जितना परमिशन पूछा है सबको अलाउ करना है और दोस्तों आपके बैंक के यहाँ पे आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा और आपका ओटीपी जो है इसमें आके जो है ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल हो जाएगा। आप लोग यहाँ पे देखिए फिल हो गया है। देन गाइस अब आप लोग यहाँ पे अपने पेटीएम एप्लीकेशन में लॉग इन हो जाएंगे। अब दोस्तों लॉग इन होने के बाद आपके सामने पे पेटीएम एप्लीकेशन आ जाएगा, आपको अलाउ करना है और दोस्तों आपको यहाँ पे क्या करना है, अब आपको यहाँ पे अपना बैंक अकाउंट फिर से आपको ऐड करना है, लिंक करना है। यहाँ पे दोस्तों मैं फिर से अपने प्रोफाइल पर क्लिक करूंगा, प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप मैं देखो यहाँ पे प्रोफाइल पे क्लिक करूंगा। देन गाइस यहाँ पे मैं लिंक बैंक अकाउंट पे क्लिक करूंगा। इतना करने के बाद यहाँ पे मेरे सामने लिखा हुआ आएगा यहाँ पे ऐड ए बैंक अकाउंट का, अपना भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है ऐड ए बैंक अकाउंट, मैं इस पर क्लिक करूंगा। देन गाइस यहाँ पे हमारा जो बैंक है मैं अपने बैंक पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे दोस्तों हमारे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, मैं अपने बैंक पे क्लिक करूंगा और दोस्तों आप लोग यहाँ पे देखिए मेरा बैंक यहाँ पे ऐड हो गया, लिंक हो गया। यहाँ पे लैपटॉप के साथ देखिए आप लोग यहाँ पे दो मिनट के अंदर यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम फिक्स हो गया। इस प्रकार से आपको लोग देखिए मेरा बैंक यहाँ पे ऐड हो गया, इसी प्रकार से आपका बैंक भी ऐड हो जाएगा और दोस्तों आपको प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा। दोस्तों आपको ऐसे वैक आना है, वैक आने के बाद दोस्तों अगर आपको प्रॉब्लम फिर भी नहीं फिक्स हो रहा है, फिर भी ऐसा ही प्रॉब्लम आ रहा है, तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपको आपको कम से कम एक या दो महीना का वेट करना पड़ेगा। अब दोस्तों इसलिए मैं आपको एक या दो महीना का वेट करने के लिए कह रहा हूँ, यही कि नियम का उल्लंघन कर रहा था पेटीएम, इसलिए दोस्तों यहाँ पे पेटीएम कुछ दिन के लिए दोस्तों पेटीएम पेमेंट बैंक वगैरह जो है वो सब बंद हो गया था, इसलिए पेटीएम का लाइसेंस जो है छीन लिया गया था, इसलिए दोस्तों यहाँ पे आपका बैंक जो है ऐड नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे दोस्तों पेटीएम और आरबीआई के बीच में कुछ लफड़ा था दोस्तों, यहाँ पे आरबीआई का जो रूल होता है, जो नियम होता है, उसको पेटीएम नहीं फॉलो कर रहा था, यहाँ पे कुछ उल्टा सीधा काम कर रहा था, इसीलिए दोस्तों यहाँ पे जो है ऐसा प्रॉब्लम मतलब आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको चिंता नहीं करना है, आपको अपने फोन पे या फिर गूगल पे में अपना बैंक अकाउंट ऐड करके आपको अपना यूज करना है और दोस्तों आप लोगों का दो महीने के अंदर आपको प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा, आपका डायरेक्टली बैंक अकाउंट यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा और दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि आपका प्रॉब्लम कैसे ठीक होगा। अगर दोस्तों वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो, तो जय हिंद वंदे मातरम।